व्हाट्स अप गाइस, 45th डे है ट्रांसफॉर्मेशन का, बैक करने वाले हैं और हम सभी के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। 30 सितंबर तक सारे जिम्स बंद रहेंगे महाराष्ट्र में। मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। जुलाई बीत गया, अगस्त में कुछ बाकी जगह पे जिम्स खुल गए स्टेट्स में, मैंने फिर भी इस टॉपिक इग्नोर किया, बट अब हद हो चुकी है। किसी किसी के लिए जिम्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, एक मेडिटेशन की तरह है। और जो लोग बोल रहे हैं कि जिम्स खोलने से कोरोना फैल सकता है, मैं उन लोगों से पूछता हूं कि गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस, होटल्स, लॉजेस और बाकी जितने भी लोग सड़क पे घूम रहे हैं विदाउट ई पासेस, शॉप्स, लिक्वर शॉप्स, यहां पे कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है? और इसी थिंकिंग की वजह से हम लोग ओलंपिक्स में कई बार पीछे रह जाते हैं। वो तो हमारे टैलेंट की बात है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी एक आधा मेडल कैसे भी करके ले आते हैं। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने चिन अप से स्टार्ट किया था, इसलिए आज हम लोग बेंट ओवर से स्टार्ट करने वाले हैं। चार सेट्स करेंगे, 10-15 रेप्स। लास्ट के दो सेट्स हम लोग रेस्ट पॉज सेट्स करेंगे। तो दो सेट्स हमने कर लिए हैं, अभी हम लोग बाकी के दो सेट्स एक रेस्ट पॉज टेक्निक यूज करने वाले हैं। जितने रेप्स पॉसिबल उतने रेप्स करेंगे और फिर 10-15 सेकेंड्स का रेस्ट लेके दोबारा से जितने रेप्स पॉसिबल उतने रेप्स करेंगे। अब बैक के लिए हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे चिन अप्स। हम लोग चार सेट्स करेंगे 8-10 रेप्स के लिए। बेंट ओवर रोज में मेरी मसल्स काफी फटीग हो चुकी है, इसीलिए चिन अप्स में मैं फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पा रहा हूं, पर यहां पे हम लोग मसल्स को डेवलप कर रहे हैं, जितना हो सके अपने मसल्स को और ज्यादा पुश करना है। बैक के लिए एक लास्ट सुपर सेट करेंगे श्रग्स और डेडलिफ्ट का। तीन सेट्स करेंगे 10-15 रेप्स।